आज हम वर्ड में टेबल कैसे क्रिएट करते हुए देखेंगे, समझेगा? टेबल कैसे बनाने का है, पहले जो सामने दिया ना वो टेबल ज़रा नोटबुक में ड्रा करके लो, सेम वैसा ही टेबल ड्रा करके लो। पहले क्या निकालने का, बाहर का बॉर्डर निकालने का है, और बाद में जो अंदर लिखा ना सब्जेक्ट मार्क्स वो बाद में लिखने का है, लेकिन पहले बाहर से क्या निकालोगे, टेबल का बॉर्डर ड्रा करने का है, समझेगा? हो गया टेबल ड्रा करके, अभी मुझे सेम ऐसा ही टेबल बनाने का है। तो टेबल लेने के बाद सबसे पहले क्या काउंट करने का है, रो किसको बोलते हैं और कॉलम किसको बोलते हैं, सबसे पहले क्या देखने का है, रो किसको बोलते हैं और कॉलम किसको बोलते हैं वो देखने का सबसे पहले। तो सबसे पहले देखो इधर, ये जो वर्टिकल रहता है ना उसको बोलने का कॉलम, वर्टिकल रहेगा उसको क्या बोलोगे, कॉलम बोलने का है। ये हो गया हमारा पहला कॉलम, ये वाला सेकंड कॉलम, बरो ना, थर्ड कॉलम, फोर्थ और ये फिफ्थ कॉलम, मतलब जो वर्टिकल है उनको बोलने का कॉलम। तो अभी हमारे पास जो टेबल है उसके अंदर कितने कॉलम है, पांच कॉलम है, कितने कॉलम है हमारे पास, पांच कॉलम, समझेगा? बरो वर्टिकली पांच कॉलम है ना। अभी रो बोलते, रो किसको बोलते हो देखने का है, रो कौन सा रहता है, ये जो इधर से लेके पूरा रहता है ना हॉरिजॉन्टल, उसको बोलते रो बोलने का है, क्या बोलोगे उसको, रो। अभी हम काउंट करते हैं कि ऐसे कितने रो हमारे पास है, मतलब इस टेबल में देखो, ये वाला पहला रो, ये वाला सेकंड रो, ये वाला थर्ड रो, बराबर तीन रो हो गया, बाद में चार, पांच, छः और सात रो, समझ रहे? मतलब हमारे पास जो टेबल है उसके अंदर रो कितने हैं, पहले कॉलम कितने हैं, कॉलम कितने, पांच है, बराबर है ना। चलो तो साइज कम करता हूँ, इधर कॉलम पांच है और रो कितने हैं, रो कितने हैं, सात रो है, बराबर है। और एक क्या रहता है कंसेप्ट, सेल, रो कॉलम और सेल। अभी देखते हैं सेल किसको कहते हैं, ये जो छोटा पोर्शन है उसको ही बोलने का सेल बोलने का, ये दिख रहा है किधर भी दिख रहा है ना छोटा कॉलम, ये इसको ही सेल बोलने का है, समझ रहे सबको? रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं, सेल किसको बोलते हैं। जब भी आपको टेबल ड्रॉ करना रहेगा ना, तो कौन सा भी टेबल रहेगा तो पहले उसमें काउंट करने का कि उसके अंदर रो कितने और कॉलम कितने। अभी हमारे पास जो टेबल है उसके अंदर पांच कॉलम है और सात रो है। अभी देखो जैसे मैंने टेबल के अंदर क्लिक कर दिया, ऊपर देखो क्या आ गया, डिजाइन और लेआउट, बराबर दोनों ऑन हो गए। अभी मैं इस टेबल के बाहर क्लिक करता हूँ, अभी बता दो जरा डिज़ाइन और लेआउट है क्या, नहीं है, डिज़ाइन भी नहीं है और लेआउट भी नहीं है ना, इसका मतलब दोनों भी क्या हो गए, गायब हो गए। अभी वापस मैं टेबल के अंदर क्लिक करता हूँ तो देखो डिज़ाइन भी आ रहा है और लेआउट भी आ रहा है ना। अभी ये दोनों का मतलब क्या है, ये दोनों का यूज़ किसके ऊपर आएगा, सिर्फ टेबल के ऊपर आएगा, दोनों का यूज़ किसके ऊपर आएगा, सिर्फ टेबल के ऊपर आएगा। अभी मुझे देखने का है कि साइज कैसे कम ज़्यादा करते, रो और कॉलम की साइज कैसे कम ज़्यादा करने का, तो माउस में बीच में लेके जाता हूँ, देखो अभी ऐसा है ना, तो माउस बीच में लेके जाता हूँ, कितने एरो आ रहे हैं, दो एरो आ रहे हैं, दो एरो आएंगे तो साइज कम ज़्यादा होती है, देखो खींचो इधर राइट चाहे तो राइट, समझेगा? दो एरो का मतलब क्या होता है, दो एरो का मतलब रहेगा हमेशा साइज कम ज़्यादा करना। अभी हाइट कम ज़्यादा करने का, सपोज दिख रहा है रो का हाइट बढ़ रहा है, हाइट वापस कम करने का, जो क्लिक करके खींचते पीछे, समझेगा इतना तक। अभी मुझे सपोज पूरे टेबल को सिलेक्ट करने का है, कैसे सिलेक्ट करोगे, ये पहला दिख रहा है प्लस साइन, देखो जैसे टेबल के अंदर क्लिक करोगे ऊपर प्लस बटन आएगा, तो इसके ऊपर क्लिक करो, देखो हो गया पूरा टेबल सिलेक्टेड, समझेगा इतना कंसेप्ट। हाँ अभी सेम मुझे ऐसा ही टेबल बनाने का सपोज, तो पहले हम कॉलम कितने देखेंगे, पांच कॉलम चाहिए और रो कितने चाहिए, सात रो, समझ रहे? अभी देखो मैंने इधर अंदर क्लिक कर दे, नीचे इंटर करके बाहर आ गए। अभी सपोज मुझे सेम ऐसा ही टेबल बनाने का है, तो कैसे करोगे, टेबल बनाने के लिए पहले किधर जाने का है, इंसर्ट में जाने का है, किस में जाओगे, इंसर्ट, इसके बाद किधर क्लिक करोगे,
क्या दिख रहा है? टेबल। और टेबल में आने के बाद कौन सा टेबल लोगे? ये लिखा इधर, इंसर्ट टेबल, क्लिक कर दिया। अभी पढ़ो क्या बता रहे, टेबल साइज बता रहे ना, उसमें क्या बोल रहा है? पहले नंबर ऑफ कॉलम, हमें कितने कॉलम चाहिए? पांच कॉलम, जितने भी कॉलम चाहिए लिखो इधर। नंबर ऑफ रोज कितने चाहिए? सात रोज। और क्या करोगे बाद में? ओके, देखो आ गया टेबल, समझ रहे, बन गए सेम। अभी कैसे करते जाने का, एक एक देखो। सबसे ऊपर देखो ये मार्कशीट जो लिखा है, उसके बीच में कुछ सेल है क्या? नहीं है ना, तो वैसे ही करने के लिए क्या करोगे? पूरा सिलेक्ट करो ये पहला वाला रो, हो गए पूरे रो सिलेक्ट। हाँ, अभी किसके ऊपर जाओगे? लेआउट में जाने का है। अभी ये दो ही टैब के ऊपर काम करने का आपको, लेआउट में जाते। लेआउट में जाने के बाद क्या करोगे? पढ़ो इधर नाम क्या आ रहा है, मर्ज सेल। मर्ज का मतलब क्या है? बीच वाला सेल चला जाएगा। देखो बन गया, ऊपर जैसे था वैसे बन गया नीचे। अभी क्या लेने का है? नेम। नेम के लिए क्या करोगे? ये दोनों को सिलेक्ट करो ऐसा वर्टिकली, हो गए दोनों भी वर्टिकली सिलेक्ट। बाद में क्या करोगे? मर्ज सेल। बाद में टोटल। टोटल के लिए क्या करोगे? ये दोनों को सिलेक्ट करो ऐसा वर्टिकली, है ना, टोटल निकालने के लिए। दोनों रो को सिलेक्ट करने का, ऐसे कॉलम को नहीं सिलेक्ट करने का। देखो इधर से दोनों रो को सिलेक्ट कर दिया, लेआउट में ही जाने का है। और किस में जाओगे? मर्ज सेल। हो रहा है मर्ज? क्या रहेगा बीच में? सब्जेक्ट। कैसे करोगे सब्जेक्ट? तीनों सब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, लेआउट में ही जाके मर्ज करने का है। और लास्ट में क्या रह गया? ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल कैसे बनाओगे? इतना सिलेक्ट करो चार सेल को और मर्ज सेल, बन गए टेबल। अभी एक एक लिखते जाने का है। क्या लिखोगे? मार्कशीट। एरो से नीचे आ जाओ, इंटर नहीं करने का है। क्या लिखोगे इधर? नेम। नेम के बाद क्या लिखते हैं? अलग अलग सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखोगे? टोटल। इधर अलग अलग सब्जेक्ट लिखो, मराठी, इंग्लिश और मैथ्स। और लास्ट में क्या आएगा? इधर ग्रैंड टोटल। इधर बीच में क्या आएगी? नाम आ जाएंगे। बराबर। बाद में आपको बीच में मार्क्स लिखने का है। अब ये टेबल बन गया है ना, अभी मुझे पूरा टेबल क्या करना पड़ेगा? सेंटर में लाने का है। सबका अलाइनमेंट देखो, इधर सेंटर दिख रहा है, तो आप एक एक करके सेंटर लाते बैठने का है क्या? नहीं, तो पूरा टेबल सिलेक्ट करने का है। पूरा टेबल सिलेक्ट करने के लिए किधर क्लिक करने को बोला मैंने? तो ये दिख रहा है प्लस साइन, इधर प्लस के ऊपर क्लिक कर दिया। और सेंटर में कैसे लाओगे? लेआउट में जाने का। क्या दिख रहा है इधर? दिख रहा है अलाइनमेंट सेंटर, आगे सेंटर में। अब इसका साइज बढ़ाने का है, तो साइज बढ़ाने के लिए किधर आओगे? होम में जाते इधर, है ना, होम टैब। होम टैब से क्या आ रहा है इधर? दिख रहा है ग्रो फॉन्ट, बढ़ गई साइज। आगे क्या आ रहा है इधर? बोल्ड करने का, तो बोल्ड कर दिया, हो गया ना। अभी क्या रह गया बाकी बोलो जरा? उसके बाहर का बॉर्डर है क्या? ऐसे टेबल को बॉर्डर नहीं है ना, तो कैसे बॉर्डर लोगे? पहले इस लेआउट में जाके देखते हैं, इधर है क्या कुछ बॉर्डर के लिए ऑप्शन? नहीं है, तो कैसे लाओगे बॉर्डर? डिज़ाइन में जाने का। डिज़ाइन में आने के बाद देखो इधर पहला दिख रहा है बॉर्डर स्टाइल, दिख रहा है लाइन स्टाइल। आपको जो बाजू का बॉर्डर है वो कौन से स्टाइल का चाहिए, वो लाइन सिलेक्ट करो आप। इधर सपोज मैंने कौन सा लिया? ये वाला स्टाइल लिया, आ गया। अभी कलर कौन सा चाहिए? सिलेक्ट करो आपको जो भी कलर देने का है, कौन सा भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो, समझ रहे ना। अभी देखो पेंसिल है ना, तो पेंसिल से क्लिक करके देखो बॉर्डर आ रहा है क्या? बॉर्डर तो आ रही है, लेकिन पूरे टेबल को आ गई क्या? नहीं, सिर्फ एक ही रो को आ गए ना उधर। अभी ऐसे एक एक देते बैठने का क्या? नहीं देने का, तो पहले एक स्टेप पीछे आ जाओ। कैसे पीछे आओगे? कंट्रोल बटन दबा के जेड बटन दबाने का है। देखो चली गई बॉर्डर। हाँ, अभी ये पेंसिल है ना, तो पहले पेंसिल को हटा दे। कैसे हटाओगे पेंसिल को? एस्केप बटन दबाने का है। कौन सा? एस्केप। देखो कीबोर्ड के ऊपर एस्केप नाम का एक बटन है,
देखो चली गई पेंसिल, अभी पूरे टेबल को बॉर्डर देने का है, तो क्या करोगे? पूरा टेबल सिलेक्ट करो पहले। कैसे सिलेक्ट करोगे? ये दिख रहा है प्लस साइन है ना? अभी बॉर्डर देने के लिए देखो, पहले इधर से स्टाइल लिया था, बाद में कलर लिया था ना इधर से, अभी दिख रहा है बॉर्डर। लेकिन तो डायरेक्ट क्लिक नहीं करने का, तो किधर जाओगे? इस एरो के ऊपर जाने का है। अभी बॉर्डर किसको चाहिए? सबको बॉर्डर चाहिए ना, तो क्या लोगे? ऑल बॉर्डर्स, आगे चारों साइड से बॉर्डर। अभी कलर देने का, अंदर कलर देने के लिए भी किधर जाओगे? शेडिंग में जाने का, जो भी कलर चाहिए सिलेक्ट करो, आपको जो भी कलर चाहिए आ गया। बाद में बाहर क्लिक करो, देखो जरा बन गया वैसा ही टेबल, बन रहा है ना सेम वैसा के वैसा टेबल। आएगा ऐसा बनाने के लिए? करोगे इतना? बोलो जरा कैसे? अभी ये मेरे को टेबल नहीं चाहिए, तो टेबल नहीं चाहिए तो क्या करो? डिलीट करो। कैसे डिलीट करोगे? अंदर क्लिक कर दिया किधर भी, बाद में किस में आने का है? लेआउट, डिलीट, और क्या डिलीट करोगे इसमें से? टेबल, देखो चला गया टेबल, समझ रहे? बोलोगे वापस कैसे टेबल बनाने का? एक बार सबसे पहले किधर जाओगे? इंसर्ट, जब भी कुछ टेबल दिया रहेगा पहले काउंट करने का कि उसके अंदर रो कितने और कॉलम कितने। बाद में किधर जाओगे? इंसर्ट टेबल, और बाद में किधर जाओगे? इंसर्ट टेबल है ना, जितने भी रो चाहिए रो लिखो, कॉलम चाहिए कॉलम लिख दिया, और बाद में ओके। अभी देखो लेआउट और डिज़ाइन आ गए ना, इसको सिलेक्ट कर दिया ऊपर की रो को, क्या करोगे? लेआउट में जाने का, और क्या करोगे? मर्ज सेल, सबको सिर्फ मर्ज करते जाने का है। सिलेक्ट कर दे इसको भी, मर्ज सेल हो रहा है कि एक सिलेक्ट। इसको भी क्या करोगे? मर्ज, और लास्ट में क्या रह गया? ग्रैंड टोटल के लिए सिलेक्ट कर दिया, मर्ज कर दिया, आए इतना। बाद में पूरा टेबल सिलेक्ट कर दिया, साइज वैसे कम ज़्यादा करोगे? होम में जाने का है, साइज बढ़ा दो जाए तो है ना। बाद में लेआउट में जाने का, अलाइनमेंट सेंटर रखने के लिए क्या करोगे? ये बीच वाला ही सेंटर रखने का, अलाइनमेंट सेंटर हो गया सबको सेंटर। डिज़ाइन में जाते, लाइन चाहिए तो क्या करोगे? लाइन की स्टाइल लेने का, पहला कौन सी स्टाइल चाहिए। बाद में क्या सिलेक्ट करोगे? कलर सिलेक्ट करो, आपको जो भी कलर पसंद है। डायरेक्ट क्लिक करने का है क्या? नहीं ना, तो पहले पेंसिल को हटाने का है। कैसे हटाओगे पेंसिल को? एस्केप बटन, कौन सा बटन प्रेस करने का? एस्केप बटन, चली गई पेंसिल। अभी पूरा टेबल सिलेक्ट कर दिया इधर से, बॉर्डर के ऊपर डायरेक्ट क्लिक करने का है क्या? एरो के ऊपर जाते हैं, और एरो से क्या लोगे? ऑल बॉर्डर्स, और कलर चेंज करने का तो किधर जाओगे? शेडिंग में जाते, कलर सिलेक्ट करो, आपको जो भी कलर पसंद है भाई, आ गया। बाद में बाहर क्लिक कर दो, बन गए सेम टेबल। और नहीं जाए तो क्या करोगे? इसके अंदर ही क्लिक करने का है, लेआउट में जाके क्या करोगे? डिलीट, और क्या डिलीट करने का है? टेबल करोगे इतना, करो इतना वर्ड का टेबल।